मनुवादी विचारधारा इस कदर हावी हो रही है कि अब वो सीधे हमारी संस्कृति पर आँच लगाने का काम कर रही है। आरएसएस की विचारधारा अगर आरएसएस के लोग फैलाए तो समझ आता है, लेकिन अगर शासन प्रशासन भी उन्हें साथ दे तो देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर आघात होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं नागपुर कलेक्टर ऑफिस के मनुवादी विचारधारा की। नागपुर कलेक्टर ऑफिस की अधिकृत वेबसाइट nagpur.nic.in पर नागपुर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की सूची दी गई है, जिसमें दीक्षा भूमि और ड्रैगन पैलेस का नाम कहीं नहीं है। नागपुर के ऐतिहासिक स्थल के रूप में आरएसएस इस मनुवादी संगठना के रेशीम बाग मुख्यालय को स्थान दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धम्म का स्वीकार करके नए क्रांति का आगाज किया था। करोड़ों लोगों की जिंदगियां उनके धम्म क्रांति ने बदल दी। प्रति वर्ष लाखों लोग दीक्षा भूमि में आकर बाबा साहब को अभिवादन करते हैं, उनके धम्म क्रांति को नमन करते हैं। दीक्षा भूमि यह भारत के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों के लिए एक ऊर्जा भूमि है, प्रेरणा भूमि है, क्रांति भूमि है, इंसान को इंसानियत का दर्जा देने वाली हमारी प्रेरणा है। ऐसी इस पावन भूमि को नागपुर कलेक्टर ऑफिस ने अपने वेबसाइट से हटाया या उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो आरएसएस हमेशा देश में धर्म के आधार पर भेदभाव करने की शिक्षा देता है, शस्त्र पूजन करके अहिंसा एवं असहिष्णुता को बढ़ाता है, जिनका देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं, ऐसे आरएसएस के मुख्यालय को ऐतिहासिक स्थल देकर नागपुर कलेक्टर प्रशासन क्या साबित करना चाहता है? कहीं नागपुर के कलेक्टर आरएसएस की विचारधारा से तो प्रभावित नहीं, या फिर उन्हें दीक्षा भूमि का ऐतिहासिक महत्व नहीं पता? कारण कोई भी हो, लेकिन नागपुर कलेक्टर के इस रवैये से लाखों प्रबुद्ध नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे दीक्षा भूमि का अपमान हुआ है, नागपुर का अपमान हुआ है, महाराष्ट्र का और भारत देश का अपमान हुआ है, इंसानियत शर्मसार हुई है।